फर्स्ट वर्ड वी हैव इनहेरिट इनहेरिट इसका मतलब होता है विरासत में पाना फॉर एग्जाम्पल शी इनहेरिटेड अ लॉट्स ऑफ वेल्थ फ्रॉम हर फादर शी इनहेरिटेड अ लॉट्स ऑफ वेल्थ फ्रॉम हर फादर उसने अपने पिता से काफ़ी संपत्ति विरासत में मिली शी इनहेरिटेड अ ऑफ वेल्थ फ्रॉम हर फादर एब्सटेन एप्सटेन इसका मतलब होता है परहेज करना या बचना फॉर एग्जाम्पल इंडिया फ्रॉम वोटिंग इन यू एन एस सी इंडिया एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग इन यू भारत ने यू में मतदान से परहेज किया इंडिया एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग इन यू नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्यूरियस फ्यूरियस इसका मतलब होता है काफी गुस्सा फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज फ्यूरियस एट मी माई फादर इज फ्यूरियस एटमी मेरे पिता मुझ पर काफी गुस्सा है माई फादर इज फ्यूरियस एट मी इंक्लूड इंक्लूड इसका मतलब होता है शामिल करना फॉर एग्जाम्पल डोंट इंक्लूड मी फॉर द ट्रिप डोंट इंक्लूड मी फॉर द ट्रिप यात्रा के लिए मुझे शामिल मत करो डोंट इंक्लूड मी फॉर द ट्रिप एक्सक्लूड एक्सक्लूड इसका मतलब होता है वर्जित करना या शामिल ना करना फॉर एग्जाम्पल दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग उन्हें मतदान से वर्जित किया गया है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग कंपनसेट कंपनसेट इसका मतलब होता है मुआवजा देना या क्षतिपूर्ण करना या भरपाई करना फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस यू हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस आपको नुकसान की भरपाई करनी होगी यू हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस नेक्स्ट वर्ड वी हैव सीज सीज इसका मतलब होता है जब्त करना या पकड़ लेना फॉर एग्जाम्पल पुलिस हैज सीज इलीगल मनी पुलिस हैज सीज इलीगल मनी पुलिस ने अवैध धन जब्त किया है पुलिस हैज सीज इलीगल मनी नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है लागू या लागू करना फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द लॉ गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द लॉ सरकार ने कानून को लागू कर दिया है गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द लॉ ब्रेन स्ट्रॉन्ग ब्रेन स्ट्रॉन्ग इसका मतलब होता है मंथन करना फॉर एग्जाम्पल दे आर ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑन द टॉपिक दे आर ब्रेन स्ट्रॉम ऑन द टॉपिक वे लोग मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं दे आर ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑन द टॉपिक अग्रीमेंट अग्रीमेंट इसका मतलब होता है सहमति या समझौता फॉर एग्जाम्पल दे हैव साइंड द दीमेंट दे हैव साइंड द दीमेंट वे लोग समझौता पर हस्ताक्षर कर चुके हैं दे हैव साइंड द है

यू शुड नॉट बाव डाउन टू एनी वन तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए यू शुड नॉट बाव डाउन टू एनी वन सिचुएशन सिचुएशन इसका मतलब होता है परिस्थिति यान राइट नाव आई एम इन बैड सिचुएशन राइट नाव में अभी बुरी परिस्थिति में हूँ आई एम इन बैड सिचुएशन राइट नाउ इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट इसका मतलब होता है कारावास या जेल फॉर एग्जाम्पल

नेक्स्ट वर्ड वी हैव गार्नर गार्नर इसका मतलब होता है इकट्ठा करना या संचित करना फॉर एग्जाम्पल पुलिस इज गार्नरिंग द एविडेंस पुलिस इज गार्नरिंग द एविडेंस पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है पुलिस इज गार्नरिंग द एविडेंस अगला वर्ड है मगअप मग अप इसका मतलब होता है रट्टा मारना फॉर एग्जाम्पल दे आर मगिंग अप द आंसर दे आर मगिंग अप द आंसर वे लोग उत्तर को रट्टा मार रहे हैं दे आर मगिंग अप द आंसर कमांड कमांड इसका मतलब होता है आदेश देना फॉर एग्जाम्पल आई कमांड यू टू गो देयर आई कमांड यू टू गो देयर मैं तुम्हें वहां जाने का आदेश देता हूं आई कमांड यू टू गो देयर अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन इसका मतलब होता है खराब होना फॉर एग्जाम्पल माई कार ब्रोक डाउन वेन आई वॉस गोइंग टू माई होम माई कार ब्रोक डाउन वेन आई वर्स गोइंग टू माई होम जब मैं अपने घर जा रहा था मेरी कार खराब हो गई माई कार ब्रोक डाउन वेन आई वॉस गोइंग टू माई होम एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली इसका मतलब होता है गलती से फॉर एग्जाम्पल आई एक्सीडेंटली टुक द रोंग बस आई एक्सीडेंटली टुक द रोंग बस मैंने गलती से गलत बस पकड़ ली आई एक्सीडेंटली टुक द रोंग बस एग ऑन एग ऑन इसका मतलब होता है किसी को कुछ गलत करने के लिए उकसाना फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज एक्स मी ऑन टू लाई शी ऑलवेज एक्स मी ऑन टू लाई वो हमेशा मुझे झूठ बोलने के लिए उकसाती है शी ऑलवेज एक्स मी ऑन टू लाई फोर स्टॉल फोर स्टॉल इसका मतलब होता है कोई चीज को होने से पहले रोकना फॉर एग्जाम्पल दे शुड फोर स्टॉल द वॉर दे शुड फोर स्टॉल द वॉर उन्हें युद्ध को होने से रोकना चाहिए दे शुड फोर स्टॉल द वॉर कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी इसका मतलब होता है विवाद फॉर एग्जाम्पल वी शुड रिफ्रेन फ्राम कॉन्ट्रोवर्सी वी शुड रिफ्रेन फ्राम कॉन्ट्रोवर्सी हमें विवाद से बचना चाहिए वी शुड रिफ्रेन फ्राम कॉन्ट्रोवर्सी एलिमेंट

फ्रैक्चर इसका मतलब होता है टूटा हुआ फॉर एग्जाम्पल हिस बोन इज फ्रैक्चर्ड फ्रैक्चर्ड बोन इज उसकी हड्डी टूटी हुई है बोन इज फ्रैक्चर्ड अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है रन आउट रन आउट इसका मतलब होता है खत्म हो जाना फॉर एग्जाम्पल आई हैव रन आउट ऑफ मनी आई हैव रन आउट ऑफ मनी मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं आई हैव रन आउट ऑफ मनी नेग्लिजेंट नेग्लिजेंट इसका मतलब होता है लापरवाह फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू सो नेग्लिजेंट वाई आर यू सो नेग्लिजेंट तुम इतने लापरवाह क्यों हो वाई आर यू सो नेग्लिजेंट मेडिटेट मेडिटेट इसका मतलब होता है ध्यान लगाना या फिर ध्यान करना फॉर एग्जाम्पल शी इज मेडिटेटिंग विथ हर आईज क्लोज वह अपनी आंख बंद करके ध्यान कर रही है She is meditating with her eyes closed. Apart, apart इसका मतलब होता है अलग या दूर। फॉर एग्जाम्पल वी विल हम कभी भी अलग नहीं होंगे ऑब्जेक्शन objection, objection इसका मतलब होता है आपत्ति फॉर एग्जाम्पल वॉट ऑब्जेक्शन डू यू हैव विथ इट वट ऑब्जेक्शन डू यू है इससे क्या आपत्ति है वॉट ऑब्जेक्शन डू यू है पहनना फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस ऑन सिंपल ड्रेस वो हमेशा साधारण कपड़े पहनती है शी ऑलवेज पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस अगला वर्ड है एडवोकेट एडवोकेट इसका मतलब होता है वकील फॉर एग्जाम्पल यू नीड एन एडवोकेट टू विन दिस केस यू नीड एन एडवोकेट टू विन दिस केस तुम्हें इस केस को जीतने के लिए एक वकील की जरूरत है यू नीड एन एडवोकेट टू विन केस नेक्स्ट वर्ड वी Merge इसका मतलब होता है मिलाना फॉर एग्जाम्पल यू आर मर्जिंग एवरी थिंग इन वन डिश यू आर मर्जिंग in इन वन डिश आप एक डिश में सब कुछ मिला रहे हो यू आर मर्जिंग एवरी थिंग इन वन डिश बाउंटी बाउंड्री इसका मतलब होता है इनाम फॉर एग्जाम्पल गड फिफ्टी थाउजेंड बासार रुपए का इनाम था गब्बर हैड बाउंटी ऑन हिज हेड पुट आउट पुट आउट इसका मतलब होता है बुझाना फॉर एग्जाम्पल पुट आउट द कैंडल्स पुट आउट द कैंडल्स मोमबत्तियां बुझा दो पुट आउट द कैंडल्स अगला वर्ड है डिस्पाइस डिस्पाइस इसका मतलब होता है घृणा या फिर घृणा करना फॉर एग्जाम्पल आई डिस्पाइस ईटिंग नॉन वेज आई डिस्पाइस ईटिंग नॉन वेज मुझे नॉनवेज खाने से घृणा है आई डिस्पाइस ईटिंग नॉन वेज नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इसका मतलब होता है योगदान फॉर एग्जाम्पल योर स्मॉल कंट्रीब्यूशन कुड हेल्प अलॉट स्मॉल कंट्रीब्यूशन आपका छोटा सा योगदान बहुत मदद कर सकता है Your small स्मॉल कंट्रीब्यूशन कुड हेल्प अलॉट सजेशन सजेशन इसका मतलब होता है सुझाव फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव एनी सजेशन डू यू हैव एनी सजेशन क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है डू यू any सजेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस विद डिफरेंट कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस विद डिफरेंट कंट्रीज विभिन्न देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस विद डिफरेंट कंट्रीज अगला हमारा इडियम है ऑन द नाइन्थ क्लाउड ऑन द नाइन्थ क्लाउड इसका मतलब होता है सातवें आसमान पर या बहुत ज्यादा खुश होना फॉर एग्जाम्पल His father bought him a car. That is why he is on the ninth cloud. His father bought him a car. That is why he is on the ninth cloud. उसके पिता ने उसे एक कार खरीद दी इसीलिए वह सातवें आसमान पर है अगला वर्ड है worship. Worship इसका मतलब होता है पूजा करना फॉर एग्जाम्पल डू यू वर्शिप डेली डू यू वर्शिप डेली क्या तुम रोज पूजा करते हो डू यू वर्शिप डेली अगला वर्ड है spread. Spread इसका मतलब होता है फैलाना या विस्तार करना फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है वर्ल्ड इंग्लिश है वर्ल्ड अंग्रेजी सारी दुनिया में फैल चुकी है इंग्लिश according इसका मतलब होता है कि अनुसार फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू हिम यू आर अ थीफ अकॉर्डिंग टू हिम यू आर अ थीफ उसके अनुसार तुम एक चोर हो अकॉर्डिंग टू हिम यू आर अ थीफ अगला वर्ड है स्पाइसी स्पाइसी इसका मतलब होता है तीखा फॉर एग्जाम्पल द फूड इज सो स्पाइसी द फूड इज सो स्पाइसी खाना काफ़ी तीखा है द फूड इज सो स्पाइसी अगला वर्ड है सावर सावर इसका मतलब होता है खट्टा फॉर एग्जाम्पल द लेमन इज टू सावर द लेमन इज टू सावर नींबू काफ़ी खट्टा है द लेमन इज टू सावर अगला वर्ड है स्वीट स्वीट इसका मतलब होता है मीठा फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्वीट मैंगोस आई लाइक स्वीट मैंगोस मुझे मीठे आम पसंद है आई लाइक स्वीट मैंगोस आज का लास्ट वर्ड है योगट योग इसका मतलब होता है दही फॉर एग्जाम्पल आई लाइक ईटिंग योग आई लाइक ईटिंग यो गट मुझे दही खाना पसंद है आई लाइक इटिंग यो गट एंड दिस प्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल